नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक यदि आपके चैनल पे आ जा रहा है तो आप इसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना बहुत जरूरी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो स्टेप अपनाए हैं उससे रिमूव हो जाए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं इससे रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया था उसको मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिमूव किया जाता है वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए मैं आप लोग को अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो तो फाइनली फ्रेंड हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं जो मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए कहाँ जाना है आपको, आपको आ जाना है चैनल पे। चैनल पे आके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको दिखा दी, ये देखिए लिखा है ना, वन कॉपीराइट स्टेटस, यू हैव वन कॉपीराइट स्ट्राइक। इसको किस तरह से रिमूव किया जाता है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वीडियो मैनेजर में जाना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो मैनेजर में जाते हैं। कहाँ गया वीडियो मैनेजर, ये रहा, ये रहा वीडियो मैनेजर। तो वीडियो मैनेजर पर हम क्लिक करेंगे, खुल जा, खुल गया। ठीक है, अब हम उस वीडियो पे जाएंगे जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस पे आया है। तो ये देखिए इस पे आया है, तो उस पे जाके हमको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे जाके क्लिक कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, क्लिक हो रहा है, खुल रहा है, ये देखिए। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा कि क्यों ये हुआ है। तो पागलपंती सुपर कास्टेड इंडस्ट्री अल्टीमेट मैनुअल डिटेक्टेड, ठीक है, इसकी वजह से। और इसका ईमेल आईडी देखिए, जिसने दिया है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे है, किसने दिया है वो देखिए यहाँ पे है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इसे हमें रिमूव करना है। ईमेल आईडी पर भी हम इनसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम इन्हें रिक्वेस्ट कर दें, शायद ये रिक्वेस्ट करने से मान जाए। ठीक है, वैसे मैंने वीडियो में कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इतना लिखा था कि इस मूवी को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। ठीक है, तो ये रिमूव करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और हम करते हैं। तो इस पे हमको क्लिक करना है, रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन। ठीक है, इस पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इस तरह से देखिए आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, यू हैव हैड नॉट यूजर वीडियो रिमूव, यू हैव हैड अनोदर यूजर्स वीडियो रिमूव, आपका वीडियो जो है दूसरे को कोई रिमूव किया है, इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करके आप नीचे जाइए। ये रहा, ये यूट्यूब का एक अकाउंट है सॉरी, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको ईमेल पे जाना है। ठीक है, अपना ईमेल खोलना है, ये रहा मैं खोल रहा हूँ, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, कंपोज में क्या लिखना है, और यहाँ से सेंड कर देना है। ठीक है, तो कंपोज और ये सब्जेक्ट दोनों मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक लिखना है आपको इसमें सब्जेक्ट में, और कंपोज में क्या लिखना है वो मैं बता दूँ, डियर सर आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो, उसके बाद टाइटल लिख दीजिए। ठीक है, एक मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है। और लिखने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है लिखने के बाद। ठीक है, और ये मैसेज उनके पास चला जाएगा। तो सब्जेक्ट में ये लिखना है, कंपोज में ये लिखना है, दोनों चीज़ मैं आपको लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए, मैसेज चला जाएगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। उसके बाद
उनको इच्छा होगा तो देंगे, को रिमूव कर देंगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं रिमूव करेंगे, उन पे डिपेंड करता है। तो एक दो दिन बाद आप लोग फिर से एक ईमेल उनके पास कर दीजिए, तो मैंने कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।